नमस्कार कौशल जी, आपको क्या दिक्कत आई थी? क्या कारण है जो आप नेचुरोपैथी सेंटर आए हुए हैं? मुझे लास्ट ईयर दिसंबर महीने में 6 दिसंबर को ब्रेन स्ट्रोक आया रात को सोते वक्त। और ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब ये ब्रेन स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ होती है, मुझे पता नहीं पड़ा। जब सुबह मेरे घर वालों ने देखा कि मुझे ना इस टाइप की कोई दिक्कत है कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, तो वो मुझे लेके हॉस्पिटल गए। पर एलोपैथी में इसका कोई कंप्लीट सॉल्यूशन है नहीं, ब्रेन स्ट्रोक के अभी तक हमारी साइंस ने इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। उन्होंने फिर भी मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ दिया। उसके बाद है ना मुझे किसी ने बताया कि ना ऐसे ऐसे संभाल खां पानीपत में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, वो इस बीमारी को रिकवर करने में हमारी मदद कर सकता है। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है और मेरी लाइफ जो एक हेल बन गई थी वो उसमें मुझे काफ़ी उससे निकलने में मुझे काफ़ी मदद मिल रही है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपको रिलीफ फील हो रहा है, हाँ तो किन किन किस तरह रिलीफ फील हो रहा है? कौन से आपकी बॉडी के पार्ट को और किस तरह आपको, जैसे जैसे आपने कहा ब्रेन का हुआ है, तो हाँ उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि कैसे, कौन सी चीज़? और मैं बताता हूँ, जैसे कि है ना ये कोई ब्रेन की बीमारी है या हाथ पैरों की बीमारी नहीं है, तो हाँ ये नेचुरोपैथी वाले मेनली ब्रेन पे ही काम करते हैं। इनके जो जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं तो ये बिल्कुल भी है ना वो हार्मफुल नहीं होते, हाँ इनके बिल्कुल नेचुरल तरीके से 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से ये थेरेपीज देते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसी हिसाब से ये ना ये लोग काम करते हैं। और है ना ये है ना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम वाले के लिए ही सेंटर हो, जो बंदे अपने ओबेसिटी और इन सब चीज़ों से परेशान है वो भी यहाँ के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो बहुत बेनिफिट्स उठा सकते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो आपका कौन सा है, जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कि कौन से शरीर के हिस्से को दिक्कत हुई और उसको क्या फ़र्क है जब से आप आए, और कितने दिन हो गए आपको आए? मुझे मेरे ना जब ब्रेन स्ट्रोक आया तो मेरा राइट हैंड साइड में क्लॉट पड़ा, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड ना डैमेज हो गई, तो अच्छा। ये बिल्कुल वर्किंग में नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने ना उसको स्टार्ट किया, उस पर ट्रीटमेंट करना, थेरेपीज देनी स्टार्ट करी और है ना मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। मुझे है ना 12 दिन हो गए यहाँ आए हुए। अच्छा, तो मतलब हाथ को कैसे, अब क्या मतलब क्या हुआ, चलना बंद हो गया था जैसे ये क्या? हाथ है, मेरा हाथ में ये है ना इस तरीके से मूवमेंट नहीं था, ये मेरी फिंगर्स ना बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में थी, मैं चाहकर भी इनको मोड़ नहीं मतलब मोड़ पाते नहीं थे। पाता था। अब मैंने इजीली मोड़ पा रहा हूँ और चलने में बहुत आराम है मुझे। पहले जैसे मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग भी काम नहीं कर रहा था, अब मेरा लेफ्ट लेग में बहुत है, मैं 10 किलोमीटर तक की वॉक कर लेता हूँ डेली। तो क्या ब्रेन स्ट्रोक के बाद आप चलने में भी दिक्कत हो रही थी? मैं तो कम्प्लीट बेड रेस्ट पे चला गया था। अच्छा, तो मतलब आपको जब थोड़ा बहुत तो चले, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि चलने में, कि पैर कैसे रखूँ या क्या, नीचे तो नहीं गिर कॉन्फिडेंस जाऊँ? तो आता था पर फिर भी है ना जो वीकनेस तो वीकनेस होती है, वो गिर ही जाता था मैं। अच्छा। हाँ क्योंकि जब तक तो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक है ना वो चीज़ काम करना स्टार्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। अब इन लोगों ने ना करा तो बॉडी डिटॉक्सिफाई भी करी, उसके साथ साथ है ना ऐसी थेरेपीज दी जिससे कि मेरे पैर की स्टिफनेस चली गई ठीक और है अब है ना पैर मोड़ने में ये सब करने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो कौन कौन सी थेरेपीज करी है आपने यहाँ पे, कौन कौन सी कर रहे हो आप? बॉडी डिटॉक्स करने के लिए इन्होंने अनीमा दिया और है ना मिट्टी पट्टी एक होती है इनकी थेरेपी, जैसे मतलब नाभि के नीचे मिट्टी लगानी होती है, सर और आंखों में मिट्टी लगानी होती है, वो एक पार्ट है इनका। इसके अलावा इन्होंने हस्त हस्तपाद स्नान बताया गर्म पानी से, सूर्य स्नान बताया और स्टीम वाली एक थेरेपी थी, स्टीम भी इन्होंने कई तरीके से दी, लोकल स्टीम अलग है और वो अलग है, हाथ पैरों की मालिश अलग है जिसमें यहाँ की मतलब ट्रेन थेरेपिस्ट आपको मसाज देंगे, ऑयल मसाज देते हैं और वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है हर चीज़ में, चाहे मेरी जैसी बीमारी हो चाहे ओबेसिटी हो मोटापा हो, इस टाइप की बीमारी में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप ओवरऑल बहुत खुश हो यहाँ आके और हाँ आपको बहुत बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला। ठीक है, धन्यवाद कौशल जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।